हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी 36 वीक की रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं। ये जो मेरी रिपोर्ट है वो 5 दिसंबर एंड 2020 की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है यूट्रस इज ग्रेविट कंटेंट डाई एमनियोटिक एंड डाई कोरियोनिक विद ट्विंस लाइफ फैटस एंड एंटीरियर अपर प्लासेंटा। ये जो लिखा होता है डाई एमनियोटिक एंड डाई कोरियोनिक, ये ट्विंस प्रेगनेंसी में ही होता है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे ट्विंस हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं एंड दोनों अलग अलग थैली में हैं, दोनों के प्लासेंटा अलग अलग हैं। एंड जो इस टाइप की ट्विंस प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा सेफ होती है, बिकॉज सब कुछ अलग अलग होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं रहती है। हमारा जो प्लासेंटा था वो एंटीरियर अपर प्लासेंटा था। एंटीरियर का मतलब होता है कि जो प्लासेंटा था वो आगे की तरफ था एंड जो बच्चे थे वो पीछे की तरफ थे। ठीक, यहाँ पे दे रखा है लाई, तो लाई का मतलब होता है बच्चे की कंडीशन। तो यहाँ पे ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब होता है कि बच्चे यहाँ पे तिरछे थे। ठीक है, एंड उसके बाद में बच्चे की प्रेजेंटेशन दे रखी है, बोथ फेटस आर ब्रीच प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ स्टडी। इसमें जो बच्चे की प्रेजेंटेशन दी थी वो ब्रीच प्रेजेंटेशन थी। ब्रीच का मतलब होता है बच्चे दोनों उल्टे थे। तो मैंने इस टॉपिक पर एक पूरा वाकायदा वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको एक बार जरूर देखें, क्योंकि ब्रीच भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है। तो उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब होता है बच्चे जिस थैली के अंदर रहते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चे जिस द्रव में रहते हैं। तो यहाँ पे एडवोकेट लिखा है, इसका मतलब होता है पानी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे किसी किसी रिपोर्ट में नॉर्मल भी लिख के आता है, तो आपको बस इसमें इतना ही देखना होता है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है, एंड उसके बाद में हम बात करते हैं कार्डियक एक्टिविटी ऑफ बोथ फेटल पोल आर प्रेजेंट एंड मेजर्ड फेटस ऑफ एप्रोक्स। यहाँ पे जो है दोनों बच्चों की कार्डियक एक्टिविटी वगैरह दे रखी है, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिए FHR, जिसे हम बोलते हैं फेटल हार्ट रेट। तो एक बच्चे की 154 BPM थी एंड एक बच्चे की 142 BPM थी। उसके बाद में दे रखा है अदर एक्टिविटीज, यहाँ पे प्रेजेंट थी तो ये बहुत अच्छी बात होती है। एंड उसके बाद में लिखा है बीपीडी बाइफ्रैक्टर डायमीटर, इसका मतलब होता है कि एक पार्श्विक हड्डी से दूसरी पार्श्विक हड्डी का व्यास। ठीक है, जो कि यहाँ पे MM में दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीक्स के हिसाब से। उसके बाद में SC, तो SC का मतलब होता है हेड सर्कमफेरेंस, इसका मतलब होता है सर की गोलाई। यहाँ पे देखिए MM में ये भी दे रखा है। एंड यहाँ पे जो लिखा होता है AC, AC का मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, इसका मतलब होता है पेट की गोलाई। एंड उसके बाद में यहाँ पे लिखा है FL फीमर लेंथ, इसका मतलब होता है जो सबसे लंबी हड्डी होती है, वह यहाँ पे उसका मेजरमेंट दे रखा है। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं EFVW एस्टिमेटेड फेटल बॉडी वेट। तो यहाँ पे जो बच्चे का वेट है वो दे रखा था, इसमें एक बच्चे का था 2 किलो 838 ग्राम एंड दूसरे बच्चे का था 2 किलो 532 ग्राम। एंड उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं CGA करेस्पॉन्डिंग जेस्टेशनल एज, यानी कि टोटल कितने वीक हो गए थे। तो यहाँ पे 36 वीक कम्प्लीट हो गए थे। एंड ये -2 वीक का मतलब होता है आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है ADD, जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, यानी कि इसमें हमारी डिलीवरी डेट शो करे, जो कि 31/12/2020 दे रखी थी। एंड उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कंजेनिटल एनोमैलीज, इसका मतलब होता है जन्मजात विसंगतियां। तो यहाँ पे लिखा है नो एनी ग्रोस कंजेनिटल एनोमैलीज आर सीन एट द टाइम ऑफ स्कैन, मतलब यहाँ पे कोई भी जन्मजात विसंगति नहीं दे रखी है। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे इम्प्रेशन देख लेते हैं। इम्प्रेशन में दे रहा है ट्विंस लाइफ फॉर्टस, यानी कि यहाँ पे ट्विंस दे रहे हैं, जो कि 36 वीक के लगभग आसपास हो चुके हैं। उसके बाद में देखा है कि विद बोथ फेटस आर ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो दोनों की जो प्रेजेंटेशन है वो दोनों ही ब्रीच है। ओके, 36 वीक की रिपोर्ट में आप ये सारी चीजें बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।